हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है, जब आपके ट्विन आपको रिजेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे आप डील कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डीएफ के दिमाग में ये थॉट्स आते रहते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है जो मेरा ट्विन मुझे रिजेक्ट करता है। इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद आप सब कुछ करते हैं अपने ट्यून के लिए, कई बार आप अपने ट्यून के साथ इंटीमेट भी होते हो उनकी खुशी के लिए, फिर भी कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि वो आपको रिजेक्ट करते हैं। तो ये जानना पहले तो ज़रूरी है कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, देन उसके बाद कैसे इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं वो हम जानेंगे। देखिए डीएफ, जब भी ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। आपको लगता है कि डीएम खुश है या फिर वो रिजेक्ट करके रन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएम को पता है कि आप क्या हो उनके लिए, भले वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे डीएफ को एक सोल शॉक लगता है जब उनके डीएम उनको रिजेक्ट करते हैं और जो डीएम है आपके वो रन कर रहे हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हैं। तो इसी वजह से वो रन करते हैं या आपको रिजेक्ट करते हैं। पूरी तरीके से वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। उनकी सोल को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, भले आप मानो या ना मानो, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद भी वो खुश नहीं रहते हैं। उनको भी लगता है कि जो मेरा असली घर है उससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे ये मजबूरी है। बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपके डीएम आपको रिजेक्ट करते हैं, मतलब दिल पे पत्थर रख के ये सिचुएशन होती है। और डीएम आपके आपको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तभी ये ऐसा करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, एक जो ट्विन है वो रेडी नहीं है यूनियन के लिए, या फिर दोनों रेडी बिल्कुल भी नहीं हैं। आप अवेकन हुए हैं लेकिन आपने अपनी हीलिंग नहीं की है, इसलिए डीएम आपको ऐसा सोल शॉक देते हैं, या फिर आप पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं लेकिन डीएम की वहाँ पे हीलिंग नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में कई बार डीएम भी अपने डीएम को रिजेक्ट करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डीएम सेम चीज़ें कर रहे हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वहाँ पे आप एक फैसला लेते हैं कि बस अब हो गया, ये पूरी तरीके से अवेकन होके आएगा या पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आएगा तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी। तो यही होता है, दोनों जब रेडी नहीं होते हैं तो ये सेपरेशन होता है या फिर डीएम आपको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो डीएफ अनमैरिड है और जो डीएफ मैरिड है उनके साथ ये सिचुएशन क्यों होती है ये हम जानते हैं। जो डीएफ और डीएम दोनों अनमैरिड होते हैं उसके बावजूद भी वहाँ पे डीएम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और डीएम के पास कोई भी थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, मीन्स चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है जो अभी तक वो कैरी कर रहे हैं। उनको पता है कि इतना पेन मुझे मिला है और पास्ट लव उतना अच्छा उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। उनको समझ आया है कि मैं अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे पेन मिलता है, हर्ट होता हूँ मैं, तो उस सिचुएशन में वो भागते हैं। उन्हें ट्रस्ट इशू होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। जब भी डीएफ उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं उस चीज़ को वो हजम नहीं कर पाते हैं कि इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है पास्ट में, फिर क्यों ये लड़की मुझसे इतना प्यार कर रही है। तो इन्हीं सारे इमोशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी डीएफ को रिजेक्ट करते हैं। पहले बहुत अच्छे से बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे वो खुद देखते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन पास्ट में जो भी उनके साथ हुआ है, उनके चाइल्डहुड में, उनके फैमिली में या फिर उनके रिलेशनशिप में, उनको वो सब कुछ बार बार याद आता है, इसलिए वो खुद अपनी डीएफ को रिजेक्ट कर देंगे कुछ दिनों के बाद
ये तो होता है जब डीएम और डीएफ दोनों अनमैरिड होते हैं, लेकिन एक वजह और भी होती है, डीएम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर उनका मनी ब्लॉकेज है तो उस वजह से वो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपसे बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी फैमिली उनको बराबर परेशान कर रही है, उनको ताने मार रही है कि अभी तक तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। तो वो सिचुएशन उनको इतना ज़्यादा परेशान करती है, तो वहाँ पे वो डीएफ से बात नहीं करते हैं। डीएफ से क्या, वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जब तक मैं स्टेबल नहीं होता हूँ तो मैं अपनी डीएफ को खुश नहीं रख पाऊँगा, ना ही मैं अपने घर वालों के सामने बात रख पाऊँगा। इसलिए वो उस टाइम डीएफ को रिजेक्ट करेंगे या बोलेंगे कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए, या थोड़ा हम अभी स्पेस लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने अपने करियर पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये भी आप समझिए कि डीएम किस वजह से ये ऐसा आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। उनकी सिचुएशन को आप पूरी तरीके से जानते हो कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है और वो किस वजह से ऐसा करते हैं। और सेकंड कैटेगरी की डीएफ और डीएम, जब दोनों मैरिड होते हैं अलग अलग पार्टनर के साथ, उस सिचुएशन में आप देखते हो कि ट्विन आपके पास आएंगे, आपसे अपनी फीलिंग्स को भी बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है बात करने पे, खुद आएंगे सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि उनकी एनर्जी चेंज होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो रन करेंगे आपसे, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि वो भी मैरिड हैं और आप भी मैरिड हो। स्टार्टिंग में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, बातचीत होगी नॉर्मली बस, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ आता है कि ये कनेक्शन कुछ अलग ही है, ये अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं अट्रैक्शन समझ रहा था। इसलिए वो रन करने लगते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो दोनों इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएंगे और वो फिर हमारे फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो डीएफ को रिजेक्ट करेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा कि वो आपको बोलते हैं कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हमें निभानी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या फिर घर वालों को पता चलेगा तो ये होगा वो होगा, मतलब उनको फियर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोसाइटी, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, पूरी फैमिली, ये बात उनको इतना ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए वो तुरंत ये फैसला लेते हैं कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए या फिर ओनली फ्रेंड जोन में रहना चाहिए, यानी कि सिर्फ हम बात करेंगे लेकिन पूरी तरीके से तुम मेरी लाइफ से नहीं जा सकती हो। ये आपने देखा होगा कि डीएम पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ से जाने के लिए नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि बात तो हम करेंगे लेकिन फ्रेंड बनके, हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो ये भी कारण होता है फैमिली की वजह से वो आपको रिजेक्ट करेंगे। और लास्ट, आप सबको पता है जब डीएम थर्ड पार्टी में होते हैं, यानी कि डीएम आपके अनमैरिड है लेकिन किसी के साथ वो रिलेशनशिप में हैं, तो भी वहाँ पे वो आपको रिजेक्ट करेंगे। ये सिचुएशन तो आपको पता चल गई कि क्यों क्यों ऐसा करते हैं डीएम, लेकिन इससे डील कैसे करा जाए, क्योंकि ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि जो हमें पेन मिल रहा है, सोल शॉक मिल रहा है, उससे हम बाहर कैसे निकलें। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अवेकन नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं, या फिर दोनों रेडी नहीं हैं, या फिर एक जो सोल है वो रेडी नहीं है रीयूनियन के लिए। तो वो क्यों हो रहा है, हीलिंग बची हुई है, फुल्ली अवेकन नहीं हुए हो आप दोनों, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। डीएम अगर थर्ड पार्टी के साथ है, शादी नहीं हुई है, थर्ड पार्टी है, तो उनको वहाँ पे सोल सॉक मिलना बचा हुआ है, कर्मा क्लियरिंग ये बचा हुआ है, उनकी अवेकनिंग होना बचा हुआ है, इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं जहाँ पे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी।
दूसरा दोनों अनमैरिड हैं तो उनको बहुत सारे अपने इशू को हील करना बचा हुआ है, लाइक उनका चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लव में उनको पेन मिला है उसको हील करना बचा हुआ है, इसलिए उनकी अवेकनिंग होगी। तब वो समझेंगे कि नहीं, जो आपके साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं मिल सकता है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे इस पेन से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। डीएम जो भी करते हैं उसका रीज़न जानिए कि क्या रीज़न हो सकता है। जिस दिन आप रीज़न जान जाओगे पेन बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत आराम से इस सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे। लेकिन वहीं पे बात करें, अगर दोनों ट्विन मैरिड हैं या फिर डीएम मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं, तो उस सिचुएशन में अगर डीएम ऐसा कर रहे हैं तो समझिए कि फियर का इशू है, आपके अंदर भी है लेकिन साथ में आपके डीएम के अंदर भी है। इस चीज़ को आपको हील करना है, तब जाके वहाँ पे डीएम हील करेंगे और उनको समझ आएगा ये कनेक्शन सब चीज़ों से बढ़कर है। अगर मैं इसी तरीके से डरता रहा तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे अपनी डीएफ के साथ ही रहना है, भले शादी करके या फिर अलग अलग रह के, लेकिन साथ रहना है और मुझे कुछ ना कुछ उसके साथ एक सोल पर्पस करना है। उन्हें ये सब कुछ समझ आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते हैं, लेकिन टाइम लगता है। अवेकन जब होते हैं तब उनको सारी चीज़ें समझ आती हैं, जिस वजह से वो आपको रिजेक्ट करते हैं उसे वो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन से वो बाहर भी निकलते हैं, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलते हैं। और ये कब होगा? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, एक्शन लेंगे, अपने पावर में आएंगे कि नहीं जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के लिए अच्छा ही हो रहा है, डीएम जो भी कर रहे हैं गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, भले वो किसी के साथ भी हो जो भी कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न ढूंढो। सिचुएशन मैंने बताया कि क्यों क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करिए कि वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से वो ठीक है, भले मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे साथ रहे, टाइम पास किए, अब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करिए। अगर मुझे रिजेक्ट कर भी रहे हैं तो उन्हें टाइम चाहिए, वो अभी रेडी नहीं है यूनियन के लिए, हीलिंग बची हुई है, अभी वो अवेकन नहीं हुए हैं तभी वो जाके ऐसा कर रहे हैं, वरना डीएम कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। इस बात को अच्छे से समझिए, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से आप सुनिए जब तक आपको क्लियर नहीं होता है। और ये मैसेज सभी डीएफ के लिए है क्योंकि ये सिचुएशन आती ही है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।